एवरीवन, मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं एक स्लीप टेक्नीशियन हूँ न्यूरोलॉजी एंड स्लीप सेंटर में। आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कैसे हम ASNS 10 ऑटो CPAP को अनबॉक्स करते हैं, इसमें कौन कौन सा एक्सेसरीज होता है, कैसे हम इसे कनेक्ट करते हैं। ये मशीन का पैकिंग है, इसको साइड से ओपन कर लेते हैं। ये ट्रेवल बैग है जो मशीन के साथ आता है, इसको यहां से ओपन कर लेते हैं। ये मशीन होता है, इसका यहां पे SD कार्ड होता है जिसमें पेशेंट का सारा डाटा रिकॉर्ड होता रहता है। ये पोर्ट होता है, इसमें यहां पे फिल्टर होता है जिसकी लाइफ 6 मंथ की होती है। ये ह्यूमिडिफायर चेंबर होता है, इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। इसमें पानी डालना होता है इस मैक्सिमम लाइन तक, डेली रात में डालना है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग थ्रो कर देना है। और इसमें मशीन को ऐसे कनेक्ट करना है। ये इसका ट्यूब होता है, ये पावर कॉर्ड अडेप्टर होता है। तो ट्यूब कनेक्ट करने के लिए इसको पॉलीथीन से निकाल लेते हैं। इसमें ये वाला पोर्ट होता है, इसमें सेंसर होता है जो मशीन के आउटलेट में लगेगा। इस सेंसर के थ्रू दूसरे वाले में इसमें मास्क लगता है। पावर कॉर्ड को कनेक्ट करने के लिए ये वाला पोर्ट पावर कॉर्ड के यहां पे जाएगा। ये कनेक्ट हो गया, पावर से कनेक्ट करने के बाद ये ऑन हो जाएगा। इसमें फिर एक बटन होता है, इसको स्टार्ट कर देते हैं, इसी से स्टॉप होता है ये। तो ये हो गया हमारा कैसे अनबॉक्स करते हैं, कौन कौन से एक्सेसरीज होते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे मास्क कनेक्ट करते हैं, मास्क कितने तरह के होते हैं।